नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू के ग्राउंडिंग की समीक्षा करी। उन्होंने कहा कि निवेश हेतु एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा के साथ उनसे सुझाव भी लिए तथा निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो। प्रति सप्ताह मुख्य सचिव और प्रति माह मुख्यमंत्री स्वयं इसकी गहनता से समीक्षा करेंगे। जब हम इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए शुरू में हमने जब तैयारियां शुरू करी तो उसको बहुत ही मतलब जैसे शून्य से हमने कहा कि इसको हम शुरू करेंगे। शून्य से सबसे पहले तो हमने अपने सभी जो हमारे यहाँ पर लगे हुए उद्योग थे, जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा वार्ता की, उनके सुझाव लिए और उन्होंने जो हमको कुछ समस्याएं बताई, कुछ पॉलिसीज में उन्होंने संशोधन की बात करी, हमने उन सबको जो है अपने कार्यक्रमों में लिया, अपनी पॉलिसियों में लिया और लगभग 27 से अधिक 30 के लगभग पॉलिसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला स्वयंसेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है वो किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से भी गुरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। और रजिस्ट्री घोटाले को लेकर देहरादून पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की जा रही थी। इसमें 13 मुख्य अभियुक्तों पर पहले हल्की धाराएं लगी हुई थी, लेकिन बाद में आगे की कार्रवाई करते हुए 13 में से 7 अभियुक्तों पर मुख्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही और उनको रिमांड पर लाकर पूछताछ भी हो रही है और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी, लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इसी मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त थे उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था, तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत ईवीएम के माध्यम से 18 साल से अधिक मतदाताओं का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 63 विधानसभा काशीपुर में प्रत्येक मतदान स्थल जो है वहां पर मतदाताओं को ईवीएम मशीन के द्वारा जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 12 दिसंबर से ये अभियान शुरू हुआ है और 27 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार ने बताया कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज ईवीएम का प्रशिक्षण गुरु नानक इंटर कॉलेज और रामनगर रोड स्थित स्टेडियम के मैदान में किया गया। ये सर, जो भी 18 साल के बच्चे अब हो चुके या अभी हो चुके और अभी होने वाले, तो जो 18 साल का बच्चा आएगा उसको तो पहली बार मतदान करेगा, उसे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन बच्चों को जागरूक करना है कि आपको वोट कैसे करना है और आपने जिसको वोट किया, जिस पार्टी को भी वोट किया, आपको कैसे पता लगेगा कि हमने किसको वोट किया, तो इसके लिए ये मशीन है, आप जिसको भी बटन दबाओगे उसकी पर्ची इसमें दिखाई देगी वीवीपैट पर, तो इस तरह से ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने जिसको वोट किया मेरा वोट उसी को पार्टी को गया। पद क्या है सर? मैं सतीश कुमार और मास्टर ट्रेनर के पद पर तैनात हूँ। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन का 2024 का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या है, ये लोगों को जागरूक करना है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। कुछ लोगों को इसके मशीन के बारे में जानकारी नहीं है सही से,
कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपने आप डेमो करके इसको सही से मतलब संतुष्ट हो सकते हैं। हल्द्वानी में नशे में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके तहत दो दिनों के भीतर की गई कार्रवाई में 18 लोग ऐसे पाए गए जो नशे में गाड़ी दौड़ा रहे थे। पूरे मामले में परिवहन विभाग ने नशे में गाड़ी को दौड़ाने वाले की गाड़ी को सीज करते हुए उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे तरफ से दो दिन का स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 7 टीमें लगाई थी। 7 टीमों ने लगभग दो दिन में 500 से ऊपर गाड़ियों का ड्राइवर का जो है एल्कोमीटर से चेक किया और 18 वाहन चालकों को शराब के नशे में पाया, जिसमें उनको पुलिस के सुपुर्द करते हुए 18 गाड़ियां जो हैं सीज की गई। एक सर, इसमें कोई बाइक भी पकड़ गई है जो चोरी की पकड़ गई है? हाँ, इसमें हमारा बाजपुर का एक मैटर है, जिसमें बाजपुर में जब वो एल्कोमीटर से चलान किया गया, उसका ऑनलाइन चलान हुआ, तो उसके ओरिजिनल मालिक के पास दिल्ली में मैसेज पहुंचा। तो मैसेज पहुंचने के बाद उसने पुलिस से भी संपर्क किया कि ये मेरी गाड़ी चोरी हुई थी मार्च में और ये यहाँ बाजपुर में पकड़ी गई है। तो अब वो मालिक और पुलिस आपस में बात करके वो अपनी गाड़ी लाएंगे। तो ये ऑनलाइन चलान का एक फ़ायदा भी है कि आपका अगर जब मैसेज पहुँचता है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कमर कसता नजर आ रहा है, वैसे वैसे सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव घर घर पहुंचने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। वहीं आज जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। हमारा आज का कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर गांव में, हर न्याय पंचायत में, हर गांव सभा में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आउटरीच जगह है, जहां पर हमारे पहुंच पब्लिक की नहीं हो पाती आसानी से, उनकी सुविधा को देखते हुए हर विभाग ने वहां पर जाके अपनी सेवाओं के बारे में और जो भी लाभ हर लाभार्थी तक पहुँच सके देने का प्रयास किया गया है। और ये भारत सरकार की स्कीम है और जन जन तक लाभ पहुँचाने का मकसद है इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम का अभी जो हमारे पास पूरा जिले का जो रोस्टर आया है जनवरी तक अभी हमारे पास पहुंचा हुआ है। बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। आज श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत दिनेशपुर उधम सिंह नगर पहुंच गए हैं। इन अक्षतों का दिव्य एवं भव्य स्वागत हुआ। इस पूजित अक्षत कलश के साथ आज दिनेशपुर के पावर हाउस से दिनेशपुर मुख्य बाजार होते हुए दुर्गा मंदिर प्रांगण से होते हुए दिनेशपुर स्थित बालाजी मंदिर पहुंचे। अयोध्या से आए इन दिव्य अक्षतों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। हमारा कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद को केंद्र से अपने जिले का जो कलश आया हुआ है अयोध्या धाम से पूजित अक्षत है और ये घर घर में जाना है। इसके लिए हम लोग योजना रचना बनाएंगे। आज जो है हम नगर स्वागत की बात ये है कि दिनेशपुर में अक्षत कलश आया रखा है, इसके स्वागत समारोह के लिए हमने अभी पद यात्रा निकाला था। साथ ही अभी 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक
घर घर में हम लोग सभी टोली बनाकर योजना रचना बना के इसका जो अक्षत और भगवान श्री राम जी का चित्र और एक फोल्डर जिसमें पत्रक आया हुआ है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, हम जाकर निमंत्रण देंगे कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर अभी निर्माण हो चुका है और आप सादर आमंत्रित हैं, इसीलिए हम इसी उद्देश्य के लिए हमने आज जो है कार्यक्रम। हिंदू सनातनियों के लगभग 500 वर्ष का सपना आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट में रहते थे और आज सौभाग्य से भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को उनका भव्य अभिषेक और उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदि जी मोदी जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज भगवान उनकी वजह से प्रतिष्ठित हो पा रहे हैं। और इस दिन मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएँ करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज दिनेश्वर वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि राम मंदिर से, अयोध्या से जो अक्षत तरह से सीता और हमारे राम जो हमारे आराध्य देवता है उनके चरण की धूल और हमारे दिनेश्वर में पहुंची है और आज पूरे दिनेश्वर वासियों का सौभाग्य का विषय है कि उनको पूजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राम मंदिर कमेटी अयोध्या का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो दिनेशपुर कलश भेजा है, आपने दिनेशपुर वासियों को धन्य किया, कोटि कोटि प्रणाम। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने 21 दिसंबर को रुद्रपुर में होने वाले कांग्रेस जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता की, जहां विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर में 21 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भारी संख्या में जुटकर सम्मेलन में हिस्सा लेने की अपील करें। जिस तरीके से जो जो वादे मोदी सरकार ने किए थे, आज किसी भी वादे पे वो अपने आज उतर नहीं रहे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ अब वो फ्री राशन बांट रहे हैं, 5 साल उन्होंने और बढ़ा दिए। दूसरे प्रदेशों में कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। तो उत्तराखंड में भी तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे उन्होंने 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं किया अब तक? यहाँ पे बिजली दर सस्ते क्यों नहीं किया अब तक? बिजली 25% अभी फिर बढ़ने जा रही है और लगातार जो है बिजली बढ़ती जा रही है, जबकि बिजली हमारे यहाँ बनती है। तो मतलब कोई भी अपने वादे पे वो लोग कायम नहीं रहा। आज रोजगारी की बात नहीं करते बिल्कुल भी। आज भाई आज लोग इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो हर तरीके से सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी और आईडी जो है लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो रही है। तो इसीलिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये सारी चीजों को लेके जनता के बीच में जाएगी और जनता को असली चेहरा इनका दिखाएगी कि इन्होंने 10 सालों में क्या क्या वादे किए और इन्होंने कितनी चीजें पूरी की अब तक। और ऋषिकेश में शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें व्यापारियों ने बढ़ती ठंड के चलते शहर में जगह जगह अलाव और बेघर जो लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करने की मांग करी। इसी के साथ नगर के मुख्य मार्ग में घूम रहे आवारा पशुओं को शिफ्ट करने और आस्था पथ पर लाइट की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। नगर का हर एक व्यक्ति रोज जाता है वहाँ पे, अभी भी जो मलबे का ढेर रखा हुआ है उसके विषय में बात करी थी। आस्था पथ पे जिस प्रकार से नशे का व्यापार चल रहा है, साथ में साफ सफाई को लेकर वहाँ जो लाइट नहीं जल रही है आजकल उसको लेकर, क्योंकि अब सर्दी बढ़ती जा रही है तो अधिकांश लोग सुबह की जगह शाम को जाते हैं और शाम को महिलाएं और बच्चे भी जाते हैं, तो उस समय अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं रहेगी तो नगरवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर जो निराश्रित पशु हैं जो शहर में घूम रहे हैं, उसमें बंदर भी हैं, आपके डॉग्स भी हैं, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम बोलते हैं, गाय भैंस भी हैं, तो उसके विषय में भी बात हुई, तो उसके बारे में नगर आयुक्त जी ने बताया हमें कि किस प्रकार से वो लोग प्रयास। उधर विकासनगर में कालसी विकासखंड की जिसऊ घराना ग्राम पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है,
जहां के ग्राम प्रधान और विभागीय कर्मियों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर आए सरकारी धन की बंदर बांट का आरोप लगा है। इसके चलते जहां एक ओर इसी गांव में बनाई गई मेरा गांव मेरी सड़क योजना का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो वहीं आरटीआई के जरिए मिली सूचना के आधार पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर प्रशासन और विभाग भी हरकत में आया। इसके चलते आला अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम कालसी हरगिरी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत को सुना, साथ ही मौके पर तमाम विकास योजनाओं का जायजा लिया। और क्या कंक्लूजन क्या निकला? ये जिसाऊ घिराला में एक शिकायत पहले से भी थी कुछ लोगों द्वारा, कि उन्होंने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया था, करीब 35-36 योजनाएं थी कि उसमें अनियमितताएं हैं। उसमें एक टीम गठित हुई थी जिसमें इंजीनियर थे आरडब्ल्यूडी के और डीपीआरओ थे और मैं खुद भी उसका अध्यक्ष हूँ। तो आज हमने आकर के उन योजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया और साथ में कि यहाँ मेरा गाँव मेरी सड़क का भी एक शिकायत थी लोगों की, इसमें गलतियाँ हो रही, अनियमितता हो रही है, उसका भी हमने जांच की है। इन सभी योजनाओं में जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट। सर कुछ खामी अभी निकली हैं? कुछ योजनाओं में कुछ खामियां नजर आई है, लेकिन उसका डिटेल क्योंकि उसमें टेक्निकली उनका हमने मेजरमेंट भी किया है, तो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को। जसपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों के अनुसार नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशे और नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर पुलिस ने नहर पार नई बस्ती रोड पर चांस रिकवरी के दौरान दो आरोपियों को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उधम सिंह नगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस महोदय के निर्देशन में नशे की विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है, जिसी क्रम में कल पुलिस टीम द्वारा एक अरमान और अनश नाम के व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि गुलनाम नाम की महिला है, उससे वो स्मैक लेते हैं, उसके बाद छोटे बीट्स बनाकर बेचते हैं। अपराध इतिहास की जानकारी की जा रही है और इससे इनके कब्जे से टोटल 15 ग्राम मिला है। इनके कब्जे से बरामदगी के अनुसार एनडीपीएस तहत के मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ऋषिकेश में क्रिसमस और नए साल के पर्व को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। एसपी देहात ने इंस्पेक्टर और सभी चौकी प्रभारियों को उनकी जिम्मेदारियां देते हुए व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने बताया कि ऋषिकेश को व्यवस्थाओं के मद्देनजर 5 सेक्टर में विभाजित किया गया। सभी सेक्टर की जिम्मेदारी चौकी प्रभारी को दी गई है। अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया है। इसी के साथ क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस की चेकिंग कर मानकों को जांचने के लिए भी निर्देश दिए गए। जिन होटल और गेस्ट हाउस में मानक पूरे न मिले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चूंकि इस समय जो दिसंबर का एंड रहता है, इसमें वेकेशंस भी हो जाती हैं बच्चों की, तो हर बार ये देखा गया है कि इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट रहता है, तो उसी के अंतर्गत हमने ये ऋषिकेश कोतवाली में 5 सेक्टर्स को बनाया है और इसमें प्रॉपर ड्यूटीज भी रहेंगी। और चूंकि ट्रैफिक बाधित ना हो इसके लिए जो अतिक्रमण है उसको भी लगातार हटाया जा रहा है इंस्पेक्टर ऋषिकेश के निर्देशन में और उनके उसमें नेतृत्व में। और ये मतलब पहले तो हम ये अतिक्रमण हटवा, दूसरा हम पेट्रोलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग रहे। बाकी सभी लोगों को ब्रीफ भी किया गया इस बार के प्रॉपरली के लोग जो पर्यटक आएंगे उनसे बातचीत और व्यवहार भी अपना मधुर रखेंगे, तो ये सारी चीजें की गई। साथ में ये जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे और जो गेस्ट हाउसेस हैं उनकी भी चेकिंग प्रॉपर की जा रही है। और कोई भी अगर यहाँ आयोजन भी किया प्रॉपर पुलिस की और परमिशन के उपरांत ही, तो हम देखिए इसमें तो हमारी अब नियमित ही हमारी चेकिंग चल रही है, जिसमें हमारे को यहाँ पे मतलब कोतवाली में एल्कोमीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं और इसमें पुलिस रोजाना ही कार्रवाई कर रही है। बल्कि कल भी हमने इसमें ड्रंकन में 6 केसेस को हमने दर्ज किया और इनके लगातार कार्रवाई चल रही है और ये नियमित चलेगी भी कार्रवाई। ट्रैफिक को लेकर कुछ स्पेशल फोर्स वगैरह लगाई जाएगी? हाँ, फोर्स लगाई जाएगी। यहाँ इन लोगों ने पीएसी की भी मांग की है तो पीएसी भी लगाई जाएगी। सादा वस्त्रों में भी हम लगाएंगे ड्यूटीज। और बाकी मैंने जो बताया जो सेक्टर्स बने हैं उसमें भी नामवार और प्लेसवार के कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज रहेंगी
वो लगाई जाएंगी प्रॉपर। होटल्स में अगर चेकिंग के दौरान कुछ मानकों की कमी मिलती है तो क्या पुलिस का एक्शन रहेगा? तो जो उसमें पहले तो हम उसमें हमने पुलिस एक्ट में उसमें चालान करेंगे और साथ में फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट जाती है वो पूरी रिपोर्ट भी ली जाएगी, मतलब जो भी प्रभावी जो वैधानिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।